And so we began work to change all of that. और हमने काम करना शुरू किया कि ये सब कुछ तब्दील हो सके. And I have some good news. We've made progress. और मैं आपको खुशखबरी अच्छी बात बताना चाहता हूं कि मैंने जो उससे हासिल किया बाद में. And now quite a number of pastors meet together for prayer every Tuesday. और अब बहुत ज्यादा पादरी जो हैं वो मिलके हर मंगल को मिलते हैं और एक प्रेयर मीटिंग रखते हैं. And we've become friends. और हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं अब. And what that means is we protect each other. इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं, कवर करते हैं अपनी रूहानी नेमतों से. And we support each other. हम एक दूसरे को जो सपोर्ट भी करते हैं. And I want all of those pastors to be successful. और मैं चाहता हूं कि दूसरे पादरी भी जो कामयाब हो मेरी तरह. Because the body of Christ is actually all the churches of the city. It's all of the believers. क्योंकि मसीह का बदन का मतलब है कि जो इलाके के शहर के जितने भी पादरी हैं वो एक हों. And if I want my church to be healthy, अगर मैं अपने चर्च को फलता फूलता या एक हेल्थी चर्च बनाना चाहता हूं, if I want my church to be spiritually mature, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा गिरजा जो है वो रूहानी तौर पर वो बालिग हो जाए, and if I want the greater blessings of God upon my church, अगर मैं खुदा की बहुत बड़ी बरकत चाहता हूं कि वो मेरे चर्च के लोगों के ऊपर हों, then I must teach all of our people to love the whole body. तो मैं अब मुझे ये सिखाना पड़ेगा अपने चर्च के लोगों को कि तमाम चर्चेस के लोगों को मसीह के बदन की तरह एक दूसरे से प्यार करें. But I myself must love the pastor. और मैं चाहता हूं कि पास्टर, खासकर ये चाहता हूं कि पास्टर शुरू करें कि वो एक दूसरे से प्यार करें. And then this is what changes the spirit of the city. फिर जाकर शहर की या इलाके की या कॉलोनी की वो शेप चेंज हो जाएगी. It takes this kind of love and unity to change a city. इसी तरह का प्यार और इत्तफाक जो है वही शहरों को तब्दील कर सकता है. To have more spiritual power, the body must be in unity. अगर आप चाहते हैं कि रूहानी कुवत आपको ज्यादा से ज्यादा मिले तो जरूर है कि आप इत्तफाक इत्तेहाद के अंदर रहें. Now, we'll come back to that subject more later. हम इस सब्जेक्ट पर वापस आएंगे दोबारा. But I want to talk firstly now about building the leadership team in the local church. अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह लोकल चर्च के अंदर आप अपनी टीम को खड़ा कर सकते हैं या बना सकते हैं. And so I came to the church where I am now. मैं जब चर्च के अंदर आया जहां मैं अब हूं, in 1988 के अंदर, at the time I was the only pastor on the staff. मैं स्टाफ के अंदर सिर्फ एक ही पास्टर था. But there was a church council of 8 deacons. और जो हमारी जो चर्च काउंसिल थी वो 8 डीकन पर मुश्तमिल थी और मैं ही अकेला पास्टर था. And this church had congregational government. और ये चर्च जो है, ये गिरजा है, ये जो कलीसिया है, ये एक कलीसियाई गवर्नमेंट थी. And so every year the church members would elect the deacons. Okay, हर जो चर्च मेंबर है वो मिलकर वोट देकर जो है वो डीकन को इलेक्ट करते थे या मुंतखिब करते थे. And so I had no say over who the other leaders were at the time. मैं उस वक्त तक तो कुछ ना बोला. जब तक मैं नया आया तो मैंने कुछ ना बोला कि उस वक्त क्या हो रहा क्या नहीं. मैंने नहीं छेड़ा किसी को. I could only accept the leaders that were elected. मैं सिर्फ उनको कबूल कर सकता था जो चुने गए थे. But I began to work with them. मैं जब उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया. And I made some changes.
और मैंने कुछ तब्दीलियां लाई. To start with, instead of meeting once a month as a business meeting, we met every week as a prayer meeting. बजाय इसके कि हम एक business meeting करें हर महीने के अंदर एक, मैंने हर वीक जो है वो दुआया मीटिंग शुरू कर दी. Before I got there, they had a serious problem. जब मैं वहां पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले एक बहुत संगीन मुश्किल थी वहां. They would meet every once a month. वो हर महीने मिलते तो थे. But it was a long, long, long meeting. लेकिन ये बहुत लंबी मीटिंग हुआ करती थी. Because they had much business. लेकिन क्योंकि उनको बहुत चीजें जो बहस करनी होती थी. So these were long discussions till after midnight. Midnight के यानी आधी रात के बाद तक भी बैठना पड़ता था. But they never got very far. लेकिन वो कहीं भी ना पहुंच सके. And I said, no, we cannot do business that way. मैंने कहा कि जो कलीसियाई जो काम है वो हम इस तरीके से नहीं कर सकते. I said we will meet every week. हम मैंने कहा कि हम हर हफ्ते मिलेंगे. But not a long meeting. लेकिन बहुत लंबी मीटिंग नहीं हुआ करेगी. And when we meet, we will pray. जब हम मिलेंगे हम सिर्फ दुआ करेंगे. And we will pray for a minimum of 1 hour. और मैं हम सिर्फ एक घंटा कम से कम दुआ किया करेंगे. I said the prayers can go longer, but they cannot go shorter. मैंने कहा कि प्रेयर जो है या दुआ वो लंबी हो सकती है लेकिन हम छोटे नहीं पढ़ेंगे. And I said, but after we have prayed, then we will discuss business. जब हम एक घंटा दुआ कर लेंगे या दुआ अपनी खत्म कर लेंगे फिर हम चर्च की बाकी बिजनेस के बारे में या बाकी बातों के बारे में बात करेंगे. I said the meeting will begin at 6 p.m. मैंने कहा कि जो मीटिंग होगी वो 6 बजे स्टार्ट हुआ करेगी शाम को. And we will always pray until after 7. और हम हर दफा हमेशा 7 बजे के बाद तक दुआ किया करेंगे. But I said there will never be a late meeting. लेकिन वो इससे ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं किया करेंगे. Even if we have plenty of business. बावजूद इसके कि हमें बहुत सारा काम करना होता था. Even if we've not finished discussion. यहां तक कि हमें कोई भी बहस खत्म भी ना हो सकती थी. I said if 8 o'clock comes, we finish the meeting, we all go home. Okay. मैंने कहा कि जब मुश्ता के बाद पहुंचेगी तो हम मीटिंग खत्म करेंगे तो हम घर जाएंगे. And then I said, और फिर मैंने कहा you must skip the meal. कि आप जो खाना है उसको नहीं खाएंगे. You must fast. आप रोजा रखेंगे. Just for that one meal. और सिर्फ वही खाना जो शाम का है उसको मिस करेंगे बस. This was Tuesday evening. ये मंगल की शाम हुआ करती थी. So it was required that everybody fast that meal. और ये जरूरी होता था कि हर बंदा उस शाम को रोजा रखे, उस शाम कुछ ना खाए. So we would be fasting and praying. हम उस वक्त रोजा रखेंगे और दुआ करेंगे. And some of them chose to fast all day. और फिर ऐसा ऐसा बहुत सारे लोगों ने सारा दिन रोजा रखना शुरू कर दिया. And a miracle occurred. और मौजा हुआ. Because now we were moving in spiritual power. क्योंकि अब हम रूहानी कुवत में बढ़ने लगे थे. In no time at all, those men learned to pray powerfully. बहुत जल्द जो है वो लोग सीख गए कि किस तरह रूहानी तौर पर आगे बढ़ना है. The prayers would flow wonderfully. और दुआ जारी रही बहुत अच्छे तरीके से. And then a miracle occurred with the business. और फिर जो चर्च का काम काज है उसमें भी मौजा हुआ. We found when it came time to discuss things, जब हम इस बात पर आए कि उस बहस को शुरू करें, that it was very easy to make decisions. तो उस वक्त इतना आसान हुआ कि हम जो इसका डिसीजन जो है वो ले सकें.
And that's because we had prayed much. ये इसलिए हुआ कि हम ज्यादा दुआ करते थे. So very often our meetings were finished by 7:30. और बड़ी हर दफा ऐसे होता था कि हम इतना दुआ करने के बाद, सारी बातें करने के बाद, एटलीस्ट हम 7:30 पे मीटिंग खत्म कर देते थे. And then we would go home. और उसके बाद हम अपने अपने घरों को चले जाते. And I found some wonderful things grew out of this. मैंने देखा कि इससे बहुत अच्छी और बेहतरीन फिजा पैदा हुई. The men became strong in prayer. लोग जो है वो दुआ में मजबूत हुए. And every church needs men strong in prayer. और हर चर्च का जो मेंबर है वो उसने शुरू कर दिया कि वो दुआ में मजबूत हो. And the unity of the group became powerful. और जो ग्रुप का इत्तेहाद था वो बहुत मजबूत हो गया. And then I began to discover the miracle, the great miracle that I wanted to tell you about today. और फिर मैंने एक और मौजा देखा जो उस चर्च में हुआ, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं. Because I could begin to feel the power of God going out over the congregation. अब मैंने देखना शुरू किया कि खुदा की कुदरत जो है, खुदा की पावर, खुदा की कुदरत जो कांग्रीगेशन के ऊपर मूव करना शुरू हुई. I had never seen this in my life before. मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था पहले. Something was over the church. कुछ जरूर है कि वो क्लीसिया के ऊपर था. It was the power of God. It was the grace of Jesus. ये खुदा की कुदरत थी और यीशु मसीह का फजल था. It was like a spiritual umbrella. ये रूहानी छतरी थी. And there was power in it. और इसमें कुवत थी. And this power did two things. और इस कुवत ने दो चीजें की. It helped to bring good things into the church. इसने मदद की कि अच्छी से अच्छी फिजा कायम हो चर्च के अंदर. And it helped to keep bad things out of the church. और बुरी चीजें थी, बुरी फिजा जो थी वो कलीसिया से या चर्च से दूर हो गई. And so this power over the church. और इस कुवत ने चर्च को खोला. Was a source of both blessing and protection. और ये बना, ये मंबा बना एक मजबूती का और दूसरों को की हिफाजत का. And this spiritual power has a name. इस रूहानी कुवत का नाम है. It's called the covering of Christ. इसको कहते हैं यीशु मसीह की कवरिंग या यीशु मसीह की हिफाजती छतरी. It's like he puts a tent over that work. ये ऐसा होता है जैसे एक टेंट जो है वो आपके गिर्द लग जाए. And the Bible speaks of this. और बाइबल इसके बारे में बताती है. In Isaiah chapter 5, I think it is. यसाया बाब 5 में. It says, over all the glory will be a canopy. के जो खुदा की, खुदा का जलाल है ये एक कैनन की तरह होगा. And in the book of Revelation it says, he who sits on the throne will spread his tent over them. और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जो तख्त पर बैठा था उसने उनके ऊपर एक खैमा भेजा. And it seemed that any of the members who were regular in the church, they were there consistently sitting under the ministry, this protection went over them. And their families. और इस तरह होना शुरू हुआ कि जिस जब कोई आता और वो मिनिस्ट्री के अंदर वो बैठता तो उन आता तो उनकी फैमिली के ऊपर, उनके उनके खासकर उनके ऊपर ऐसी पावर और ऐसा खैमा लगना शुरू हो गया. But anybody who was kind of on the fringe, you know, they were there sometimes, but they come and they go. They were not properly under this protection.
और जो लोग जो हैं वो कभी चर्च में आते हैं कभी नहीं आते, उनकी मर्जी होती है तो वो घर में बैठे रहते हैं, वो इस कवरिंग से महरूम रहते हैं। Yes, and so to enjoy the benefit of this covering, you have to properly be a participating member of the church. अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोटेक्शन को, इस हिफाजत को, जो हिफाजती बाड़ है खुदा की, उसको एंजॉय कर सकें या वो आपके गिर्द हो, तो आपको प्रॉपर चर्च का मेंबर होना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी आगे कभी नहीं, कभी इस चर्च कभी उस तरफ। And so I can tell you how this is built. और मैं बताना चाहता हूं कि ये किस तरह बनता है या मुमकिन है। Now, first of all, the Lord put me in place. खुदा ने सबसे पहले मुझे उस जगह पर रखा, भेजा। So I was the leader that Christ appointed. और मैं वो शख्स था जिसको खुदा यीशु मसीह ने अपॉइंट किया था या मुंतखब किया था वहां के लिए। And I was carrying what I call the Christ anointing. और मेरे पास जो है या मुझे मसीह का मसा मिला हुआ था। And anyone in the fivefold ministry, any teacher or pastor, any evangelist, any prophet or apostle, if they're genuinely called to the fivefold ministry, should have this anointing of Christ. It's what it is. Okay. अब जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, जिस तरह कोई टीचर है, कोई एवेंजलिस्ट है, कोई दुआ करने वाला है, कोई हीलर है, जो पांच खिदमतें हैं, उनके कोई भी खादम हो, उनके पास ये होना ही जरूरी है। And so, as a pastor, I had that Christ anointing. और मेरे पास, as a pastor, मेरे पास ये सारी नेमतें या ये मसा ये खिदमत के लिए मौजूद था। And then I had the gifts that Christ had given me. और खुदा ने जो मुझे बाद में गिफ्ट दिए या नेमतें दी उसके बाद, you know, the gift of healing and other gifts. और जो शिफा की नेमत है और दूसरे नेमतें, and the genuine anointing to be the leader of that church. और जो हकीकी मसा है जो चर्च के लीडर के ऊपर होना चाहिए। And so I was carrying with me already some of this covering of Christ. और मेरी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह की ये प्रोटेक्शन मौजूद थी, बाड़ मौजूद थी। But the secret was building that leadership team. और जो मुकाशवा है कि किस तरह लीडरशिप टीम को मुंतखब किया जा सकता है या उनको चुना जा सकता है, मैं आपको बताने वाला हूं। I discovered it by accident. मैंने हादसाती तौर पर ये जाना। I established those men as leaders. मैंने जो ये लीडर जो है उनके अंदर ये महसूस किया। But that's not enough. लेकिन ये खाली काफी नहीं है। Because if they were all independent and if I was, we achieved nothing. Yeah, अगर वो सिर्फ इंडिपेंडेंट हैं, अपने पर ही भरोसा रखते हैं, तो वो कुछ नहीं है। We had to build our lives together. हमें इकट्ठे होकर अपनी जिंदगी को बढ़ाना है या तरक्की देनी है, बढ़ाना है। We met together. हम एक दूसरे से मिलते। And we prayed together. हम दुआ करते इकट्ठे। But what grew was love for each other. और इससे क्या पैदा हुआ? एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत पैदा हुई। And so there was unity, there was oneness. और ये मैं pretty sure हूं कि ये मोहब्बत थी और ये खुदा की कुव्वत थी। And see, those two things must go together. ये दो चीजें जो हैं वो इकट्ठी, जरूर इकट्ठी चलनी चाहिए। You build the unity, but you build the prayer together. कि आप, आपके अंदर इत्तेहाद हो, लेकिन आप ये भी पैदा करें अपने अंदर कि आप दुआ इकट्ठे होकर करें। And then of course you need one more thing. हाँ, एक और चीज आपको जरूरी है। You cannot have secret sin in the lives of these men. और आपके अंदर छुपा हुआ कोई गुनाह नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर।
So in other words, there must be honesty and sincerity. दूसरे लफ्जों में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके अंदर लीडरशिप के अंदर जो sincerity, सच्चाई होनी चाहिए. So you can only promote to leadership those who are living an upright life, those who are righteous in Christ. और जो लीडर है जिस तरह उसको उसकी जिंदगी एक ऐसी होनी चाहिए कि वो मसीह की तरह हो. Because if there is secret sin in pastors and other church leaders, it's very destructive of the church. Okay. अगर खादमों के अंदर या क्लीसिया के अंदर कोई छुपा हुआ गुनाह, सीक्रेट गुनाह मौजूद है, तो वो चर्च की तबाही के लिए काफी है. So let me summarize. मुझे इसको मुका करना है, खत्म करना है. Building this leadership team for the local church. किस तरह इस मुकामी चर्च की टीम को वो जोड़ना है, इकट्ठा करना है, बनाना है. You need the unity of the team. आपको पहले नंबर पर टीम के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए. That is love for each other. उसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे से प्यार करें. Loyalty and faithfulness to each other. एक दूसरे से वफादारी और एक दूसरे के ऊपर भरोसा की फिजा कायम हो. So love for the pastor. और अपने पास्टर के साथ प्यार करें. So their hearts are all in this together. और उनका दिल जो है वो एक तरह से धड़के. They're not independent, they belong to each other. वो अकेले नहीं है बल्कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. So that's the first thing, the unity and the love and the commitment to each other. पहले नंबर पर ये है कि आपके अंदर इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत और आपके अंदर जो sincerity होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए. Yeah, and then their lives being clean. These are upright people living, you know, sanctified life, righteous, they've repented of their sins. So there has to be some uprightness. Okay. जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी क्लीन, साफ सुथरी जिंदगी हो और आप खुदा यीशु के खून से धुले हुए हो और आप रासबाज हो. And the third thing was the prayerfulness. और दूसरी बात जो है वो है दुआ. They must pray together. ये उनको इकट्ठे मिलकर दुआ करनी चाहिए. So ongoing prayer. जारी प्रेयर, दुआ. That is regular prayer, constant prayer. और इसको जब मैं कहता हूं कि आप जारी दुआ रखें, तो इसका मतलब है कि मुश्किल मिजाजी से दुआ करें. ये नहीं कि एक दिन कर लिए, एक हफ्ते कर लिए और दूसरे हफ्ते बस कोई ना कोई मिस कर गए. And of course, especially they're seeking the Lord for the good of the church. और खास तौर पर आप देख रहे हैं इस दुआ में आपको चाहिए कि आप अपने खुदावन को तलाश कर रहे हैं और आप अपनी कलीसिया के लिए अच्छाई की तलाश कर रहे हैं. So they make it their business every week to bless the church. और ये काम आप हर हफ्ते करें कलीसिया की बरकत को कायम रखने के लिए. Bless the marriages, bless the children. और जो अज़दवाजी जिंदगी है उसको बाबरकत बनाए और जो बच्चे हैं उनको बरकत दें, उनकी बरकत के लिए. And, yes, and they make it their business to seek the Lord for his guidance, for his instruction, his will for the church. और आपका ये काम होना चाहिए कि आप दुआ में यीशु अपने खुदावन को तलाश करें, ढूंढें कि आपको वो बढ़ाए इस खिदमत के लिए. And so when you have such a team leading a church, you will see extended the glory of Christ, the power and the protection of the Lord over the church. आपके कलीसिया के अंदर इस तरह के लीडर होंगे तो आप देखेंगे कि खुदावंद का जलाल जो है वो आपके चर्च के ऊपर रहेगा और फैमिलीज के ऊपर रहेगा. And so the church will then have a spiritual covering. और तब जाकर
जो चर्च है या क्लीसिया है वो रूहानी प्रोटेक्शन या कवरिंग या छत्री हासिल करेंगे. But Jesus doesn't do this alone. लेकिन यीशु मसीह ने अकेले ये किया. It's the lives of the leaders that make it possible. ये खादमों की या लीडर्स की जो जिंदगी है वो ऐसा कर सकती है. So the senior leader is the anchor man. He is the main person in place. और जो सीनियर लीडर है चर्च के अंदर वही मेन उसका हुक्म चलता है चर्च के अंदर. You build other leaders together with him. और दूसरे जो लीडर्स हैं उसको उस खादम के साथ आप खड़े करते हैं. And in this way you strengthen that covering, you extend the covering. और इस तरह आप अपने ऊपर और अपनी फैमिलीज और खानदानों और क्लीसिया के ऊपर रूहानी कवरिंग हासिल कर सकते हैं. Now spiritual covering is not only relationships. और रूहानी कवरिंग सिर्फ रूहानी ताल्लुकात से नहीं. It's not just accountability and loyalty. और ये सिर्फ एहतसाब और जो वफादारी से ही नहीं. It needs all of that, but it goes beyond that. ये जरूरी है कि ये चाहिए लेकिन इससे भी बढ़कर है. And it becomes spiritual power at work. और स्पिरिचुअल या रूहानी कुवत जो है वो ज्यादा काम करती है. And so this is what it takes. और यही है जिसका इसको इसी तरह लेना चाहिए. At the heart of this though is love for one another. जो लीडरशिप का जो दिल है वो यही है कि इस तरक्की का राज यही है कि एक दूसरे से प्यार करें. Every church needs a strong spiritual covering. हर क्लीसिया को एक मजबूत रूहानी कवरिंग की जरूरत है, छतरी की जरूरत है. Which means every church needs their leadership to be built together in one.